तो यार इस टाइम पे YouTube मेरे साथ क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कल मैंने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो का ट्यूटोरियल अपलोड किया है, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आई बटन पर भी मैं लिंक दे दूंगा। उस वीडियो का दोस्तों आप में से किसी को भी नोटिफिकेशन नहीं गया है। मैं यहाँ पर अपना जो एनालिटिक्स है उस पर चेक किया तो वहाँ पर नोटिफिकेशन को से कोई व्यूज़ ही नहीं था। मतलब मेरे चैनल मतलब मेरे जो वीडियो था उसका नोटिफिकेशन किसी को भी नहीं मिला है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो छोड़ो वो बात, आज की बात पर आते हैं। तो गाइस आज जो मैं आपको वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ और वीडियो दोस्तों इंस्टाग्राम रील्स का एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल है। तो गाइस एक नज़र जाके आप प्रीव्यू देख के आ जाओ। तो यार जिस वीडियो को आपने अभी देखा, आपको गाइस अगर कुछ इस तरह का वीडियो एडिट करना है तो इस वाले वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा। मैं साथ ही हूँ बहुत ही आसान तरीके से इस तरह का वीडियो आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो गाइस बिना किसी तरह के वीडियो का लाइक नहीं किया तो वीडियो का लाइक करके, नीचे आपको प्यार से रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करके, चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को लेकर चलता हूँ, देन आपको वहाँ पर दिखाता हूँ किस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो को एडिट करना है। साथियों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरा काइनमास्टर ऐप है उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब दोस्तों आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहाँ पर गाइस मैंने इस वीडियो एडिटिंग में यहाँ पे जो जो मैं चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ सारी चीज़ों को मैंने लिंक देके रखा है। आप वहाँ से एक करके हर चीज़ को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद साथियों सबसे पहले आपको जो क्लाउड हार्ट वाला फोटो है, इस वाली फ़ोटो को आपको सिलेक्ट करना होगा। देन इसका जो ड्यूरेशन है आप यहाँ पर 10 सेकेंड के लिए कर दीजिएगा। अभी कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर 3 सेकेंड के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। आने के बाद गाइस आपको ऊपर में ये कैंची वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर सेट करना है और यहाँ पर आप स्पीड एट प्लेट को आपको सेट करना होगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ तो गाइस देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड यहाँ पर रात जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, या दिन जैसा लग रहा है, दिन वाला हार्ट है क्लाउड वाला इसको लग रहा है ऐसा, तो इसको रात जैसा आपको बनाना है। उसके लिए गाइस आप यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इमेज एसेट वाले फोल्डर को ओपन करके यहाँ पर आपको ये वाला बैकग्राउंड जो है इसको सेट करना होगा। अभी आप इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस प्रकार से पहले आप इसको फुल में कीजिएगा। करने के बाद गाइस आपको अभी यहाँ पे राइट साइड के लास्ट में जाना होगा, जहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे कलर वन वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सेट करना होगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखो देखते कितना बढ़िया यहाँ पे रात टाइप का यहाँ पर लग रहा है। अब साथ ही आपको जहाँ पर आप कट किए हो इसका ड्यूरेशन गाइस आपको इतना ही रखना है, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को आप यहाँ पर हटा लीजिएगा। अब साथियों आपको इस वाला फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पर गाइस आप एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पर लास्ट में आना होगा। देन ये वाला जो ऑप्शन है इसको आप कुछ स्टेप से इस साइड में इसको आप घिसका के ये जो बैगनी कलर है आपको इसको यहाँ पर रखना होगा। रखने के बाद गाइस अभी आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से इस जगह पर आपको यहाँ पर आना है। देन गाइस आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना होगा, स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके स्टोर को आप यहाँ पर ओपन कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको स्पेशल इफेक्ट्स में जाना है। जाने के बाद गाइस आपको ये वाला जो स्टिकर है आपको इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी होगी। इंस्टॉल कर लेने के बाद अभी आप इसको यहाँ पर ओपन कीजिएगा। देन गाइस ये जो शूटिंग स्टार है इसको आपको यहाँ पर अभी सेट करना होगा और कुछ इस प्रकार से गाइस आपको इस वाले कोना से आपको यहाँ पर एडजस्ट करनी है। जैसे इस यहाँ से गाइस आपका हार्ट के ऊपर आना चाहिए, तो कुछ स्टेप से इसको मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया है। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, कुछ स्टेप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो हार्ट है कुछ इस तरह से हार्ट के ऊपर से यहाँ पर मतलब शूटिंग स्टार यहाँ पर हार्ट के ऊपर से गुजर रहा है। अभी आपको इसका जो ड्यूरेशन जस्ट आपको इतना ही रखना है, ठीक है। जस्ट थोड़ा इसको मैं आगे और घिसका लेता हूँ जहाँ पर गायब हो जाता है इतना पर, ठीक है। देन बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको मैं यहाँ पर हटा लूँगा। हटाने के बाद दोस्तों अभी आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से इस जगह पर आपको आना है। आने के बाद गाइस आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना होगा, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अभी गाइस हार्ट के ऊपर आप यहाँ पर जो फोटो आप लगाना चाहते हो उस वाली फोटो को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप चाहे तो वहाँ पर टेक्स्ट भी आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पर फोटो लगा के दिखाने वाला हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पर समंता का एक फोटो को सेलेक्ट किया है। अब गाइस आपको इस वाली फोटो को हार्ट वाला शेप में देना है, उसके लिए आप यहाँ पर क्रॉप वाले ऑप्शन में जाइएगा, मास्क को आपको ऑन करना होगा। यहाँ पर गाइस हार्ट को आप सेलेक्ट कीजिएगा और कुछ इस प्रकार से इसको आप परफेक्ट हार्ट बना लीजिएगा। बनाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैक करना है, इसको आप कुछ इस तरह से आप इसको यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा। देन गाइस ये वाला जो क्लाउड हार्ट है इसके ऊपर आप इसको यहाँ पर बैठा दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। बैठाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इन एनिमेशन में क्लिक करना है, यहाँ पर गाइस आप फेड वाले ऑप्शन को सेट कीजिएगा। देन गाइस आपको यहाँ पर लास्ट में जाना होगा, जहाँ पर ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओवरले को आप यहाँ सेट कर लीजिएगा। अब दोस्तों इसका जो ड्यूरेशन है जितना आपका वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा इतना इसका ड्यूरेशन को आपको यहाँ पर करना होगा। अभी दोस्तों मेन काम है, मतलब यहाँ पे ट्री को अभी आगे में ऐड करना होगा। उसके लिए गाइस आप यहाँ पर लेयर पर क्लिक कीजिएगा, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके
अभी दोस्तों आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो ट्री का ही जो ब्लू स्क्रीन वाला वीडियो डाउनलोड किया, इस वाले वीडियो को आपको सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले जो ट्री वाला वीडियो, इसको आप कुछ इस टाइप से इतना बड़ा आप यहाँ पर करके इस साइड में आप इसको यहाँ पर रखिएगा। रखने के बाद आपको जो ब्लू स्क्रीन, इसको आपको रिमूव करना है। उसके लिए दोस्तों आपको क्रोमाकी निकालना होगा। क्रोमाकी वाले ऑप्शन पर चले जाइएगा। यहाँ पर गाइस आपको जो की कलर है ब्लू सिलेक्ट करना है। देन आप यहाँ पर इनेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा और थोड़ा बहुत कुछ इस टाइप से अपने हिसाब से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दीजिएगा। लीजिए दोस्तों आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग रील्स यहाँ पर जहाँ पर अभी चल रहा है, वो वाला ऑडियो को आप यहाँ पर लगा के कुछ इस टाइप का दोस्तों वीडियो आप अपना आसानी से वायरल कर सकते हो। बाकी इस वाले वीडियो को अगर फुल एचडी में आप सेव करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप 1080p रखिएगा और 60fps में अपना वीडियो के यहाँ पर शेयर पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो गाइस उम्मीद कर रहा हूँ आज के इस वाले वीडियो का जो ट्यूटोरियल आपको कम्प्लीटली समझ में आ चुका है। फिर भी गाइस आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी सवाल या फिर सुझाव हो तो भेजिएगा, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।